हेलो दोस्तों, और आज हम आ पहुंचे हैं दुनिया की सबसे प्राचीनतम जगह यानी कि बनारस। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे साथ दर्शन कीजिए धर्म और आध्यात्म की ऐसी नगरी का जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया, जहां साक्षात भगवान शिव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, और भारत के सबसे प्राचीन नगर का जिसे हम काशी या बनारस के नाम से जानते हैं। बनारस में पहुंचते साथ ही हमने रुख किया दशाश्वमेघ घाट की ओर। घाट जाने का मकसद सीधा सा था कि हमें करनी थी वहां पर बोटिंग, जिसके माध्यम से हम बनारस के उन खासम खास 88 घाट्स के दर्शन कर पाए। माना जाता है कि यहां पर हर एक घाट का अपना एक महत्व है। घाट के इस पार आकर हमने करी ये सुपर ऑकवर्ड कभी ना खत्म होने वाली ऊंट की सवारी। उसे करने के बाद हम वापस लौट रहे थे, तो फिर अब वक्त हो चला था कुछ नाश्ता करने का, कुछ खाने का। और सुना है बनारस में साउथ इंडियन फूड बड़ा ही मशहूर है, तो यहाँ के डोसा और उत्पम को टेस्ट किए बिना तो हम नहीं जाने वाले थे होटल। एंड एज यू कैन सी, ये भैया कितने अच्छे से फ्राई कर रहे हैं उत्पम को। एकदम कड़क था और खाते ही बिल्कुल क्रंच सा हो गया था मुँह में। नाश्ते में कुछ मीठा ऐड करने के लिए हम पहुंच गए बनारसी लस्सी पीने। भाई बहुत ही टेस्टी लस्सी थी, लेकिन आप तो जानते हो कि भाई हम ठहरे फूडी, इतने से हमारा तो कुछ होने वाला था नहीं। इसीलिए फिर हमें याद आया कि भाई बनारस का ब्रेड मक्खन भी बहुत अच्छा होता है, तो हम चलते चलते पहुंच गए ब्रेड मक्खन खाने, और वाकई में बहुत टेस्टी था। तो अब जाके हमारा नाश्ता हो गया कम्प्लीट, इसीलिए हम चले गए इसके बाद अपने होटल। लेकिन हर उस शिव भक्त की तरह मेरे पांव भी होटल की दीवारों में रुक ही नहीं पा रहे थे। मानो मुझे बहुत जल्दी थी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने की, गंगा आरती देखने की, बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करने की। और शायद इसीलिए मैं बहुत ज्यादा देर तक होटल में रुक नहीं पाया और दौड़ पड़ा बनारस की गलियों की ओर। बनारस के घाट तक पहुंचना आसान नहीं है। पतली सकरी गलियों में कभी फंसते, कभी रुकते, तो कभी बचते हुए चलना पड़ता है। कभी सामने से आती मोटरसाइकिल को रास्ता देना पड़ता है, तो कभी गली में बैठी गाय को किनारे से बचकर निकलना होता है। जैसे तैसे गली पार कर भी ली तो घाट यूं ही सामने नहीं मिल जाता। ढलान पर जाती सीढ़ियां आपका आखिरी इम्तिहान ले ही लेती हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं दशाश्वमेघ घाट में इस वक्त, और गंगा आरती का समय हो गया है। शाम के 6:25 हो रहे हैं अभी, और अब देख सकते हैं यार, मैं क्या बोलूं, अभी इतने सारे लोग हैं, हर हर महादेव की एक गूंज है। और देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे उमंग के साथ आए इस आरती का। बस यही है, बस अब वेट कर रहे हैं आरती का, जल्दी से आरती हो, अब देख पाए कि किस तरह की आरती होती है, क्यों लोग इतने दीवाने होते हैं इस आरती के, मजा आ जाएगा। दोस्तों अभी हम आए थे काशी विश्वनाथ के टेंपल में, और इतना प्रसिद्ध ये टेंपल है, बड़ा भाग्यशाली थे हम कि हमने दर्शन कर लिए। और वो जो देख के एक मंजर था, घूसबम्स आ गए थे मेरे लिटरली, कि ये जो विश्व के नाथ हैं उनको आज हमने देखा है, और उनको उनका एक जो ये हमेशा सुनते आ रहे थे, बट आज सामने से दर्शन हुए, पहली बार हुए, बहुत अच्छा है यहाँ पर माहौल है। आप देख सकते हैं रात हो गई है, बट लोगों में अभी भी वो जुनून है, दर्शन लगातार चालू है। कहाँ से हो? मोहाली से। बहुत दूर से पंजाब। और कैसा लगा, मतलब मजा आया? तो दर्शन कैसे हुए? दर्शन हो गए, हो गया ना, चलो हमने इसको पकड़ा है क्योंकि वीडियो में बार बार आ रहा है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हम बढ़े मणिकर्णिका घाट की ओर। काशी एक ऐसा स्थान है जहां की मृत्यु भी कल्याणकारी है।
श्री रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आकर चारि जीव जग अहि कांसी मरत परम पद लहि। अर्थात संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि कभी आपको खुद पर अहंकार आ जाए तो एक बार मणिकर्णिका घाट जरूर जाएं। वहां आग की लपटों को देख आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपसे पहले भी आपसे बेहतर लोग थे और आपके बाद भी होंगे, लेकिन उन सभी की अंतिम अवस्था बस एक राख का लोटा भरी है। अगर आप में से कोई भी बनारस विजिट कर रहा है तो थोड़ा सा सबर लेके आइएगा अपने साथ, बिकॉज यहाँ पर लोगों के पास बहुत टाइम है। पिछले 15 मिनट से चचा मेरा पान बना रहे हैं और आई मीन दे तो बन तो चुका है यार, कब तो हो गए। खाना खा लिया है, पान भी खा लिया है और अब इस दिन को एंड करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे मिश्राम्बू ठंडाई, यहाँ पे ठंडाई टेस्ट करने आए हैं और देखते कैसा है। बिकॉज अभी उन्होंने सैफरन काजू ठंडाई ऑर्डर करी है और बस ये हमारे हाथ में आ चुकी है, देखते हैं फिर बताते हैं कैसी लगी है। ठंडाई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सुबह जब हम निकले ना बाहर तो हमने टेस्ट की ये गर्मा गर्म पूड़ी और छोले के साथ, आहा क्या मज़ा आया था, बहुत ही लजीज है। तो हम सीधा टूट पड़े इन पे। बनारस और उनका नाश्ता, आई मीन सुबह से ही इतनी भीड़ लग गई थी यहाँ पे इनकी पूरी शॉप पे, एज यू कैन सी एक के बाद एक फट 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 पूड़ी बिकती जा रही थी एंड कितनी लजीज लग रही है यार सच में। सुना था कि बनारस को छोड़ने के बाद सिर्फ आप ही बनारस को छोड़ते हैं, बनारस आपको कभी नहीं छोड़ता। अब तो एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता कि बनारस और महादेव की याद ना आए। जय महाकाल।